मसीह की प्रभु का धन्यवाद हो इस पवित्र पवित्र समय के लिए जो इस आठवें महीने में खुदा ने हमें ये आशीष दी और अपने आँखों की पुतली के जैसे संभाला और जैसा उसका वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं है। तो आइए तहे दिल से हम कहें कि ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आइए हम आराधना में जाने के पहले प्रभु के कलाम से कुछ वचनों को पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिन में ये हमारे हाथ में एक सामर्थी हथियार है जिसके द्वारा हम हर एक जंग को, हर एक बीमारियों को यीशु के कलाम से, उसके वचन से हम जीत सकते हैं। तो हमारे बीच में ब्रदर अश्विन हैं जो हमारे लिए वचनों को पढ़ेंगे और उसके बाद प्रार्थना भी करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ें, और जो कि भजन संहिता 117 में इस तरह से लिखा हुआ है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु के सामने नतमस्तक हो और हम प्रार्थना करें, और ताकि परमेश्वर इस जगह को, इस समय को अपने कंट्रोल में ले लें, अपने वश में ले लें, और प्रभु में हम और बढ़ते जाएं और इसके माध्यम से प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और हम आराधना हम करते हैं प्रभु। ये समय तूने दिया कि पिता परमेश्वर तेरे चरणों में हम आ सकें पिता परमेश्वर, इस आराधना सभा में पिता परमेश्वर, इस रविवार को पिता परमेश्वर तूने चुना था कि पिता परमेश्वर हम तेरे सामने आ सकें पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग ये समय नहीं देख पाए हैं, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमें चुना था और तूने हमें बुलाया है पिता परमेश्वर के तेरी स्तुति आराधना हम कर सकें। खासतौर से पिता परमेश्वर आज का दिन पिता परमेश्वर तूने दिया है, धन्यवाद देते हैं। खासतौर से प्रभु जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं पिता परमेश्वर, ऑनलाइन के माध्यम से हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इस आराधना सभा में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तू नाम बनाम तू आशीष दे। हाँ पिता परमेश्वर, इस आराधना सभा में जो भी कार्यक्रम होंगे खासतौर से हम तेरी स्तुति आराधना भी करेंगे प्रभु, तेरे वचन से सुनेंगे, और जितने भी कार्यक्रम होंगे प्रभु सब में तेरी आशीष हो, सब में तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। सारी बातों को दोबारा तेरे हाथ में सौंपते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आइए हम लोग स्तुति आराधना में जाएं। हालेलुया। आइए हम सब मिलके उस जिंदा खुदावन की स्तुति करें, महिमा करें। और परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं बनके नहीं बल्कि जब हम बनके उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, हर एक यरीहो की दीवारें टूट जाती हैं और हर एक गोलियात के जैसे आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आइए हम सब मिलके उसको जलाल दें और इस गीत को गाएं जो कहता है, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते। हालेलुया। चल की नारी ले जा कन कन
तुमा जी ने जान सब पुकार लगा दे। मिलके गाएं मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सबको हमें। जब चारों तरफ अंधेरा था तो एक रोशनी चमकी, जिस रोशनी ने हमें नई जिंदगी नया उद्धार दिया, वही नाम परमेश्वर का बेटा यीशु नासरी, जो आपके और मेरे लिए संसार में आया ताकि इसके मार खाने कोड़े खाने के द्वारा हमारे पाप में तन मन शुद्ध हो जाएं और नए जीवन हम पा सके। आइए उसको जलाल दे, महिमा दे, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वही एक नाम है जो हमें चंगाई देता है, वही एक नाम है जो हमें उद्धार देता है। हालेलुया। चारों तरफ है घटाई, घनघोर बादल छाई, सूझी नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा, ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माजी ले जा हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माजी ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलके गाएंगे कर हम सन्नाटे गाते, सारी जहां को सुनाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारी जहां को सुनाते, जे जे हो तेरी महिमा हो तेरी, प्रभु सबको एक एक गीत सुनाते। हालेलुया। जे जे हो तेरी महिमा को हम ये सुना दे। जब हमारा पापों में जीवन था तो एक उद्धार करता हमारे जीवन में आया, जिसने अपनी लहू की कुर्बानी देकर हमें वो एक नया जीवन दे दिया, हमारे श्रापों पापों को उसने उठा लिया, ताकि हम एक हर एक बुरी जिंदगी से नई जिंदगी की ओर चले और उद्धार का जीवन पाए। उसके नाम को जलाल दे, महिमा दे, धन्यवाद दे अनगिनत आशीषों के लिए जो आपके और मेरे जीवन में वो करता है। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारा, पार लगा दे। हालेलुया। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारी जहां को सुना दे, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारी जहां सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जब हम मिलकर उसी नाम की स्तुति करते हैं तो हर एक वो नामुमकिन बातें हमारे लिए मुमकिन हो जाती है, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला जिंदा खुदा हमारे संग साथ है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आइए हम आराधना में जाएंगे और इस गीत को गाएंगे जो कहता है कि और क्या मांगू तुझसे ऐ खुदा, जब तू ने खुद को ही हमारे लिए दे दिया। अब क्या चाहूँ तुझसे ऐ खुदा, जब तू ने अपने प्राणों को दे दिया। उसने अपने प्राण को, उसको खुद को
उसने हमें दे दिया ताकि हम हर एक वो जिंदगी के हर एक वो आत्मिक फलों और आत्मिक वरदानों से हम भर जाएं। खुदा का धन्यवाद करें और इस गीत से उसको जलाल और महिमा दें। और क्या चाहूं
अपना प्राण दे दिया। जो क्रूस था उठाना मुझे, वो तूने ले लिया। जो दर्द था सहना मुझे, धन्यवाद राजा। हालेलुया। जो क्रूस मुझे उठाना था पिता परमेश्वर, वो आपने उठा लिया। जो दर्द मैंने सहना था वो आपने सह लिया, उसके लिए धन्यवाद राजा। सेनाओं का ईश्वर, राजाओं का राजा शीघ्र ही इस संसार में आने वाला है उस वायदे को पूरा करने के लिए कि मैं अपने बाप के घर जाता हूँ और तुम्हारे लिए तैयार करता हूँ। उस बाप के घर में रहने के लायक हम अपने आप को बनाएं, उसके वचन में, प्रेम में, पवित्र आत्मा के जीवन में, और उसके राह पे चलते चले जाएं और उस आज्ञा को पूरा करें कि संसार की जोर तक जाओ, मेरे वचनों को सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मेरे राज्य के लिए कार्य करो। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। हालेलुया। ये हम उस वो मजदूर बने जो अपने बाप के घर के कार्यों को पूरा करें और उसके लिए आत्मा को जीते और बहुतायत से स्वर्ग के कार्य के लिए हम इस्तेमाल हों। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम आराधना में जाएं। ये वे बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब अपने खुदा के चरणों में हम आके कहते हैं कि अब्बा पिता, तू हमारा है खुदा। पिता परमेश्वर, तू वो खुदा नहीं जो हमें दर्द देख के खुश होता है। तू वो पिता नहीं खुदा जो हमारे आंसू देख के चैन से सोता है। इसीलिए हम तहे दिल से अपने घुटनों के बल के आंखों में आंसू लेके गिड़गिड़ा के कहते हैं कि अब्बा पिता तू है मेरा। और सिर्फ जब हम अब्बा और पिता कहते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को हाँ और आमीन में जवाब देता है और मांगने से पहले योग्यता से बढ़कर हमें देता है। आइए उसके नाम को जलाल दें और इस गीत को गाएं, आराधना में जाएं, अपने आंखों को बंद करें, इधर उधर ना ताकें, बल्कि संपूर्ण हृदय से उस परमेश्वर के चरणों में आएं और उसे जलाल दें, महिमा दें, आराधना के गीत को गाएं और गिड़गिड़ा के कहें कि पिता अब्बा पिता कह के पुकारते हैं और हमारी प्रार्थना को सुन और हमारे हर एक रोगों से हमें नजात दे। हालेलुया। अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा पिता पिता तू है मुझको दर्द दे कर खुश हो जाए। तू वो पिता नहीं मुझको आंसू दे कर चैन से सो जाए। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द दे कर खुश हो जाए। ओ पिता नहीं मुझको आंसू दे कर चैन से सो जाए। मिलके पुकारे अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा पिता पिता तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रो तो तू भी रो
खुश होता है। मैं भी रोता तू भी रोता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता चोट लगती है तो दर्द सबसे पहले उसको होता है। जब मेरे आंसू बहते हैं, आपके आंसू बहते हैं, तो सबसे पहले उसका आंसू बहता है और वो हमारे हाथों को थाम कर कहता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, डर मत, क्योंकि मैं तेरा पिता परमेश्वर, उद्धार करने वाला परमेश्वर, अपने बाहों में लेके तुझे संभालूंगा, तेरे आंसू को पोंछूंगा और तुझे नए जीवन की ओर लेके चलूंगा। इसके लिए उस खुदा का धन्यवाद करें, तहे दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। चोट मुझको लगी, दर्द तुझको होता है, मेरी आंसू की पहली तेरा आंसू बहता है। चोट मुझको लगी, दर्द तुझको होता है, मेरी आंसू की पहली तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर रक्षा तू करता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है। हाथ को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में हर दम उठाता है। अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा पिता खुश हो जाए। तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। जब हम उसे आवाज देते हैं तो वो दौड़ा चले आता है, हमारी सांस लेने से पहले वो हाजिर हो जाता है। वो देखता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों को क्या तकलीफ है, और जब वो अब्बा और पिता कहके पुकारते हैं, अपने गले से लगा के कहता है, मत डर, मैं तेरा ऊंचा गढ़, तेरा ऊंचा चट्टान हूँ और हर दम तुझे संग साथ लेके चलूंगा। उसके नाम को जलाल दे। ऐसा प्रेमी पिता कहीं नहीं, और ऐसा उद्धार करने वाला परमेश्वर एक ही जिंदा खुदावन है, जो था, जो है और जो शीघ्र ही आने वाला है, वो नाम है यीशु मसीह का। हालेलुया। आवाज दू तू दौड़ाता है, सांस लेने की पहले तू हाजिर होता है। आवाज दू तू दौड़ाता है, सांस लेने की पहले तू हाजिर होता है। ताल बनकर मेरी रक्षा तू करता है, अपनी निगाहों में हर दम तू रखता है। ढाल बनकर मेरी रक्षा तू करता है, अपनी पनाहों में हर दम तू रखता है। मिलके पुकारे उस नाम को, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा पिता खुश हो जाए। तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब्बा पिता कह के
तेरे चरणों में आते हैं खुदा बाप। पिता परमेश्वर, जैसे एक छोटा बच्चा अपने बाप से विनती करता है, प्रेम करता है, अपनी ज़रूरतों की मांग करता है पिता परमेश्वर, वैसे ही हम सब आपके चरणों में आते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदा हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाले आप हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस महामारी से पूरा संसार गुजर रहा है, लेकिन आपने अपने आंखों की पुतली की जैसे अपने बच्चों को संभाले रखा। पिता परमेश्वर, आप जिंदा खुदा है, आप वायदे को पूरा करने वाले राजा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप शीघ्र ही आने वाले हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि फसल ज्यादा है, मजदूर कम है, हमें उस मजदूर ऐसा सामर्थ्य मजदूर बनाइए पिता परमेश्वर कि आपके राज्य के लिए बहुत आयत से हम कार्य कर सके। हालेलुया। आइए हम सब मिलके छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते हैं, धन्यवाद देते इस पवित्र पवित्र समय के लिए पिता परमेश्वर। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं। इस पवित्र दिन में जो आपका दिन है पिता परमेश्वर, हम अपने आपको पिता परमेश्वर शून्य करके आपके चरणों में आते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते खुदा बाबा। हम घटें, आप बढ़ें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर एक जरूरत को पूरा करने वाले, इस महामारी से हमें बचाने वाले पिता परमेश्वर, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए आज की आराधना। उस पिता परमेश्वर टूटे दिलों को जोड़ दे पिता परमेश्वर, जो आंसू बह रहे हैं जिनके, उस आंसू को पोंछ दे पिता परमेश्वर। जो दिल पिता परमेश्वर टूटे हुए हैं, जिसमें पिता परमेश्वर जख्मी हैं, वो दिल में मलहम लग जाए खुदा यीशु के नाम से, ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। आपके नाम में हमारी सुरक्षा है और आपके लहू में हमारे प्राणों की रक्षा है। धन्यवाद देते इस पवित्र समय के लिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए जितने भी इस ऑनलाइन के जरिए हमारे कलीसिया के लोग और जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, इस ऑनलाइन सर्विस को, उन्हें अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए और हर एक रोगों से, हर एक पापों से उन्हें नजात दीजिए। सारा स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते खुदा बाप सुनो, ग्रहण कीजिए, आमेन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। एनएलईजी चेन्नई की ऑनलाइन हिंदी आराधना में सबका स्वागत है, दर्शकों का जो फेसबुक से, यूट्यूब से और वेबसाइट के द्वारा जुड़े हैं, सबका तहे दिल से स्वागत है। परमेश्वर सबको अभी तक संभाले हुए है, सुरक्षित रखा है, इस महामारी के मौसम में भी परमेश्वर हमें संभाल रहा है। तीसरा लहर शुरू होने की जो बता रहे हैं, शुरू हो गई है और बहुत से लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर, जिसने अभी तक हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है, इस लहर के बीच में भी हमें संभालेगा, सुरक्षित रखेगा, हमें चलाएगा। हमारा परमेश्वर हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमारा ख्याल रखता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर महान और सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, हमें आशीष का वारिस बनाया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। इस महामारी के मौसम में भी हमें चला रहा है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर भला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए वचन की तरफ बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। अभी तक परमेश्वर ने हमारे बीच में रहकर हमारी आराधनाओं को ग्रहण किया, गीतों में परमेश्वर विराजमान रहा, हमारी मन की व्यथा को उसने सुना। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हुई। अब जो है हम लोग प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करें भाइयों और बहनों, एक मन होकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए। परमेश्वर तू महान और सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है, एकमात्र अधिपति, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अगम्य ज्योति में रहने वाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरी महिमा हमेशा होती रहे परमेश्वर। हालेलुया। तू सनातन काल का परमेश्वर है। हालेलुया। स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। हालेलुया। तहे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तूने हमें बनाया परमेश्वर। हालेलुया। जब हम पापी ही थे परमेश्वर, तूने हमें, हालेलुया, हमें चुन लिया परमेश्वर, अपना बेटा और बेटी बनाकर परमेश्वर तू हमें तैयार कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। अपने आगमन में परमेश्वर हम पाए जाने के लिए परमेश्वर हमें
हम निर्दोष और निष्कलंक पाए जाने के लिए परमेश्वर तू हमें तैयार कर रहा है, इसे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी सुरक्षा का हाथ हमारे ऊपर है, इसे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज इस दिन में परमेश्वर हालेलुया आराधना में जुड़े हर एक भाई बहन के लिए तेरे पास आते हैं परमेश्वर हालेलुया। जो भी परमेश्वर आज घरों में बैठ के इस आराधना में शामिल है परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर अनुग्रह कर परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ाकर उनको स्पर्श कर परमेश्वर, वे लोग परमेश्वर आशीष पा सकें परमेश्वर हालेलुया। जो भी उम्मीद से परमेश्वर वे लोग आए हैं वो पूरा होने पाए परमेश्वर, तेरी महिमा कर सकें, तेरी आराधना कर सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं परमेश्वर हालेलुया, निराश हैं परमेश्वर हालेलुया, बहुत से बेरोजगार हैं परमेश्वर हालेलुया, अनुग्रह कर परमेश्वर अनुग्रह कर हालेलुया। वे लोग नौकरी को प्राप्त कर सके परमेश्वर, उनकी हालेलुया जीविका चल सके परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करें हालेलुया। तो ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर, सबको आशीष दे परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आराधनाएं हम लोग ऑनलाइन के जरिए से हम कर रहे हैं, हिंदी आराधना में हम लोग जूम के द्वारा जुड़ते हैं हर रोज 10:30 सुबह हम लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं और आराधना करते हैं, और बृहस्पतिवार को बाइबल स्टडी होती है जूम के जरिए से, शुक्रवार को उपवास प्रार्थना, और हर रविवार को हम लोग शाम को 7:30 ऑनलाइन जूम के द्वारा जुड़ते हैं, और सुबह 10:00 कलीसिया में NLAG सैदापेट चेन्नई में हम लोग जुड़कर आराधना करते हैं। यही नहीं, दोपहर को वेबसाइट के द्वारा हमारा आराधना का प्रसारण होता है। तो हर रविवार आप लोग घर बैठे हुए ही आप जूम के द्वारा और वेबसाइट में आप जुड़कर आराधना कर सकते हैं और आशीष को प्राप्त कर सकते हैं हालेलुया। और बहुत से कार्यक्रम हैं, जैसे हम लोग सेवकाई करते हैं, उसमें भी आप यदि भाग लेना चाहते हैं आप लोग मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें, मुझसे संपर्क करें। यदि आप कोई विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझसे जुड़कर प्रार्थना करवा सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8144268056 8144268056। हर्ष देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम लोग गूगल पे और ऑनलाइन के जरिए से, नेट बैंकिंग के जरिए से हम लोग इन दिनों में भेंटों और दशमांशों को दे रहे हैं। तो आप लोग गूगल पे नंबर नोट कर लें 9884097774 9884097774 9884097774। और नेट बैंकिंग की डिटेल्स अभी स्क्रीन पर आने वाली है, उसको ध्यान से नोट कर लें ताकि आप लोग भेंट और दशमांश को परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए दे सकें और आशीष को प्राप्त कर सकें। सूचना का समय, अभी स्क्रीन पर सूचनाएं आएंगी, आप लोग ध्यान से देखें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के वचन के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक 37:5 अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा कर, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। पिछले कई दिनों से भाइयों और बहनों हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाएगा, ये पूरा काम हो नहीं रहा है। बहुत से लोग व्यापार में जो है
उनका ठप पड़ा है, बहुत से बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं नहीं हो पा रहा है, जुड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत से लोग परेशान हैं, घर में निराशाएं, अशांति, बहुत से लोग मकान बनाने की सोच रहे हैं, मकान बन नहीं पा रहा है, शादी ब्याह के लिए लड़का देखने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है, बहुत सी समस्याएं बीच में आ रही हैं। लेकिन परमेश्वर का वायदा है, आप लोग निश्चय जानिए, परमेश्वर कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है और जो है उस पर भरोसा करना है। जब आप ऐसे करेंगे परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देगा। हाल भाइयों और बहनों, बहुत सी बातें रुकी हुई हैं, बहुत से काम रुके हुए हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, कब होगा। इन दिनों में लॉकडाउन और बीमारी का माहौल है, हर रोज हम न्यूज में देखते हैं कि इतने लोग मर गए, इतने लोग अभी बीमार हैं, डर का माहौल है, लोग परेशान हैं, आगे क्या होगा, भविष्य की चिंता हो रही है। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ सौंप दीजिए, निराश न होइए। परमेश्वर इस महीने निश्चय ही आपके रुके हुए कामों को पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता को छोड़ दीजिए, परमेश्वर आपको पूरा कराएगा। हालेलुया। निश्चय जानिए परमेश्वर भला परमेश्वर। उत्पत्ति की पुस्तक 39:2 में यूसुफ के साथ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ था और यूसुफ सफल व्यक्ति था। परमेश्वर का वचन ये कहता है यूसुफ ने जो कुछ भी किया उसमें उसने सफलता देखी, जो कुछ भी वो करता था उसमें सफलता उसे हासिल होती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। स्वामी, यूसुफ का स्वामी उसको जो कोई भी काम देता उसमें वो सफलता दिखाता, उसे देखकर जो है स्वामी चकित हो जाता कि सब काम जो ये करता है उसमें सफलता मिलती है, परमेश्वर उसके साथ था, इस वजह से जो है वो सफल होता था। एक बार एक लड़का मेरे पास आया, वो बोलता है मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है, नौकरी जुड़ गया हूँ, टेम्प्रेरी नौकरी मिली हुई है, घर के खर्चे पूरे नहीं होते, मेरी माँ का देखभाल भी करना है, मैंने अपने रिश्तेदारों से बातचीत की, उनकी सिफारिश लगवाई, उन बहुत से ऊंचे पद में मेरे रिश्तेदार हैं, उनसे मैंने बातचीत की, कोई भी मेरे को मदद करने को तैयार नहीं है, कोई भी जो है सिफारिश करने के लिए जो है तैयार नहीं है, मैं परेशान हूँ, कैसे मेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी, पक्की नौकरी मिलेगी और अच्छी तनख्वाह मिलेगी, इस बात को सोचकर मैं परेशान हूँ। मैंने कहा तेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे व्यक्ति से परिचय कराता हूँ जो तेरे को पक्की नौकरी भी देगा और जो है अच्छी तनख्वाह भी देगा और घर का गुजारा भी तेरा अच्छा हो जाएगा। उसने कहा ऐसा कौन सा व्यक्ति है, मैं तो बहुत से बड़े बड़े पद में होने वालों को से मिला हूँ और किसी ने भी मेरे को नौकरी नहीं दिलाई है। मैंने कहा निश्चय जान मैं ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो सारे तेरी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा, एक अच्छी पक्की नौकरी मिलेगी और जो है अच्छा तनख्वाह मिलेगा। वो जो है जानने लगा, उत्सुक हो गया कि कौन है। मैंने कहा यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जो तुझे एक अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी देगा और पक्की नौकरी देगा, तुझे सिर्फ एक बात करना है। उसने पूछा कि मैंने क्या करना है। अपने पापों की क्षमा मांगनी है, उसको अपने दिल में जगह देना है। उसने तुरंत मान लिया मैं तैयार हूँ। उसने घुटनों में आकर प्रार्थना की, अपने पापों की क्षमा मांगी। उसी वक्त परमेश्वर उतर कर आकर उसको स्पर्श किया और जो है उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे एक अच्छी नौकरी दे। तुरंत परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उसको स्पर्श किया। कुछ सप्ताह के बाद वो मेरे पास फिर से आया, पास्टर जी मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल गई है। जानते हैं
जिस जगह मैं काम करता हूँ वहाँ पे मैं निष्ठापूर्वक काम करता था और जैसे आपने बताया था वैसे ही मैं प्रार्थना करता रहा और यीशु मसीह ने मुझे एक अच्छी नौकरी दी है। जिस जगह मैं काम करता था वहीं पर एक अधिकारी, उसने मुझसे आके पूछा मेरे काम को देखकर, कहा कि तू बहुत ईमानदार और सच्चा व्यक्ति है, अच्छी तरीके से काम करता है, तेरे लिए एक अच्छी नौकरी है, क्या तू चलेगा? वो लड़का बोला हाँ मैं चलूँगा। उसको पता चला कि वो पक्की नौकरी है, तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिलने वाली है, तो बड़ा ही खुश हुआ और उस अधिकारी ने उसको उस जगह पे, दूसरे जगह पे ले जाकर पक्की नौकरी दिलाई और अच्छी तनख्वाह उसे मिल रही है और उसका विश्वास यीशु मसीह पे बढ़ गया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, अपने मार्गों को उसके हाथ में समर्पित करते हैं, अपने मार्ग की चिंता को छोड़कर जब हम उस पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हमारे कामों को पूरा करता है। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। इतना खुश हो गया वो और जो है परमेश्वर पर विश्वास करके उसने बपतिस्मा ली और परमेश्वर की अगुवाई में आज जीवन बिता रहा है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है जो हमारी सारी चिंताओं को दूर कर सकता है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं और अपने मार्ग की चिंता को उस पर डाल सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। आप लोग विश्वास करते हैं भाइयों और बहनों, आज इस संदेश को सुन रहे भाइयों और बहनों, क्या आप लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं जिसने हमारी खातिर इस संसार में आकर कष्ट सहा, दुख सहा और अपनी जान को दी, क्रूस की मृत्यु उसने सही। हालेलुया, और तीसरे दिन जी उठा और आज हमारे बीच में है। हालेलुया, परमेश्वर महान है। उसका वायदा है दो या तीन उसके नाम से जहां पर भी इकट्ठे होते हैं वहां वो मौजूद होता है और हमारे बीच में यीशु मसीह है और हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हमारी मन की व्यथा को वो जानता है, हमारे विचारों से वो अवगत है, वो जानता है हम क्या सोच रहे हैं। हालेलुया, आज परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। हालेलुया, जैसा भजन लिखने वाला कहता है, मार्ग की चिंता को उस पर छोड़ दो और उस पर भरोसा करो, वह पूरा करेगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आपके लिए आश्चर्य कर्म होगा, निश्चय ही होगा। यदि हम अपनी हर बात में सफल होना चाहते हैं तो हम क्या करें? यदि हम हर बात में हम सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? बाइबल बताती है भजन संहिता 37 का 5 में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। दो बातों का वर्णन किया है, पहले हमें अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़नी है, दूसरा उस पर हमें भरोसा करना है। एक बात हमेशा जान लेनी है, परमेश्वर जब आशीष देता है, प्रतिज्ञा का वचन देता है, उसके साथ शर्त भी जोड़ता। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 का 14, इसमें लिखा है, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़कर पराए देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे। परमेश्वर प्रतिज्ञा के साथ मानने के लिए आज्ञा भी देता है। यदि हम सही रूप से आज्ञा को मानते हैं, हमारे कदम सफलता को चूमेंगे। हालेलुया, परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर। परमेश्वर हमें कोई ऐसी आज्ञा नहीं देता जो हमसे नहीं हो पाएगी। पहले यूहन्ना की पुस्तक 5:3 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाएं बोझदायक नहीं है, मुश्किल नहीं है, बोझ वाली नहीं है, कठिन नहीं है। परमेश्वर जो आज्ञा देता है बहुत आसानी से पूरा करने वाली आज्ञाएं हैं, तो इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हालेलुया, उसी बात को करने की परमेश्वर हमसे आशा रखते हैं जो हम कर सकते हैं, हमसे वही करवाते हैं जो हम कर सकते हैं। परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करना है। हमारे जीवन में विद्यार्थी जीवन हो या कोई कार्य या कारोबार हो, यह हो सकता है कि हम अन्य लोगों के साथ चलें या संसार के अनुसार चलें, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए जीवन बिताना है। संसार के पीछे नहीं जाना है, लोगों के पीछे नहीं जाना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा को
मानते हुए जीवन बताना है। हालेलुया। परमेश्वर जो हमारे विषय सब कुछ जानते हैं और कह रहे हैं, मेरे बेटे और बेटी, जो मार्ग तू ले रहा है वह सही नहीं है। जब हमें परमेश्वर बताता है कि तू सही मार्ग पर नहीं चल रहा, तो हमें तुरंत अपने मार्ग को सही कर लेना है। हालेलुया। बाइबल बताती है नीति वचन की पुस्तक 16:3 में, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हमें अपने कल्पनाओं को, जो भी हम सोचते हैं, हमें जो भी हम काम को सोच रहे हैं, उसको यहोवा पर डालना है ताकि हमारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर पर भरोसा करके हमने मार्ग की चिंता को परमेश्वर पर डालना है। हालेलुया। हमें अपने कामों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आमतौर पर मानव जो है, जो भी सोचते हैं, हम जो करते हैं सही करते हैं। कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। बाइबल बताती है नीति वचन की पुस्तक 14:12 में, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हमें ये सोचने की आदत है, यदि मैं इसी तरह से आगे चलूंगा तो सफल हो जाऊंगा, यदि ऐसा करूंगा तो मैं ठीक कर रहा हूं और इससे जो है मेरा उद्देश्य जीवन का पूरा हो जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन अंत में पता चलता है कि हम मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए अपने मार्ग की चिंता को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना, छोड़ देना है, वही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और वो हमें दिशा निर्देश देगा, हमें रास्ता दिखाएगा कि किस तरफ जाना है। एक लड़का था जो बहुत अच्छा पढ़ लिख गया था, अच्छे से उसने डिग्री हासिल की और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोर्स भी उसने कर लिया, और जो है घर में बैठ गया कि उसे मैनेजर की नौकरी मिलनी चाहिए। एक साल बीता, दो साल बीता, तीन साल बीता, चार साल बीता, पांच साल बीत गए, वो घर ही बैठा रहा। एक बार मेरे पास आया, उसने कहा कि मेरे को मैनेजर की नौकरी मिलनी चाहिए थी, मेरी मिल नहीं रही है। मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं निरंतर, मैनेजर की नौकरी नहीं मिल रही है। तो मैंने पूछा कि पांचों साल तुम घर ही बैठे रहे, कुछ काम नहीं किया। उसने कहा, मैंने परमेश्वर पर विश्वास करके मांगा था, परमेश्वर तो अपने विश्वास का आदर करता है, तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। मैंने कहा, बात तो सही है, लेकिन एकदम ही मैनेजर की नौकरी मिल जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। धीरे धीरे एक एक स्टेप के बाद जो है आपका प्रमोशन होगा, तो आप जो है मैनेजर बनेंगे। उसने कहा, बात सही है, तो यदि आप, मैंने कहा, यदि 1,000 रुपये की एक नौकरी आज 5 साल पहले करते तो आपके बहुत सारे पैसे अभी तक हो जाते और आपकी माता भी बहुत खुश होती। उसने कहा, सही है। इस बात को वो समझ गया। मैंने ये भी बताया, दाऊद राजा, बाइबल से उसको उदाहरण दिए, दाऊद राजा को परमेश्वर ने अभिषेक किया और जब वो किशोर ही था जब उसे अभिषेक किया, लेकिन उसे काफी साल परमेश्वर ने उसका जो है उसको कष्ट और बहुत से अनुभवों को दिया, उसके बाद जाके वो जो है राजा बना। उसने बहुत से अनुभव को सीखा, उसके बाद जो है राजा बना। यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया जब वो 17 साल का था, कष्ट और बहुत सी विपरीत परिस्थितियों में वो गुजर कर जो है 13 साल बाद जो है मिस्र का प्रधानमंत्री बना। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब मैंने इस बात को उस लड़के को बताया तो वो जो है समझ गया। उसने मेरे साथ बैठ के प्रार्थना की, अपने मार्ग को परमेश्वर के हाथ में छोड़ा और जो है प्रार्थना में उसने परमेश्वर से विनती की कि मेरा प्रार्थना परमेश्वर तू सुन और मैं जैसा तू चाहेगा मैं वैसा करूँगा। परमेश्वर के हाथ में सौंप कर उसने मार्गों को जो है परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया और भरोसा किया। उसने जब प्रार्थना की,
परमेश्वर ने एक अच्छी नौकरी उसको दी, उसने तुरंत जो है उस नौकरी को कर लिया और उसके स्वामियों ने, उसके अधिकारियों ने देखा कि वो जो है ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको जो है पदोन्नति मिली और 2 ही साल में वो जो है मैनेजर बन गया जो कि वो चाहता था। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब हम अपने मार्गों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देता है, हमें जो है आगे बढ़ाता है, हालेलुया, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। परमेश्वर पर हमें भरोसा, बाइबल बताती है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। बहुत बार हम कहते हैं कि मैं सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मन ही मन में अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है, अपनी हुनर पर भरोसा होता है, अपने समझदारी पर भरोसा होता है। और बहुत बार हम लोग ये भी सोचते हैं कि मैं फला फला को जानता हूं, किसी भी तरीके से मैं नौकरी प्राप्त कर लूंगा। बाइबल बताती है यर्मिया की पुस्तक 17:5 में, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है, देह को उसकी सामर्थ बनाता है, अर्थात हमारा भरोसा खुद पर रहता है। बहुत बार हमारा भरोसा हमारे अपने ऊपर रहता है, लोगों पर हम भरोसा करते हैं, लोगों पर अपना भरोसा को रखते हैं, मन ही मन कहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर पर भरोसा है, लेकिन हम भरोसा लोगों पर रखते हैं जो कि हमें नहीं करना। भजन संहिता 118:8-9 कहता है, यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। कभी कभी परमेश्वर हमें आशीष करने के लिए लोगों को खड़ा करता है, ये सही बात है, लेकिन हमें उन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर पर भरोसा कर, पूरा भरोसा हमारा परमेश्वर पर होना चाहिए, लोगों पर नहीं। एक व्यक्ति था जिसकी बेटी बीएड कर चुकी थी और वो जो है नौकरी की तलाश में थी। उसने कहा, उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, मेरे बेटी के लिए प्रार्थना करें, इसको नौकरी नहीं मिल रही है, काफ़ी समय से हम कोशिश कर रहे हैं, कोई जान पहचान भी नहीं है, नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है, आप प्रार्थना करें। मैंने कहा, मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। उसने इस बात को सुना और प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद एक सप्ताह बाद फिर से मुझे मिला, उसने कहा, अब तो नौकरी मिल गई पास्टर जी, एक एमएलए मुझे मिल गया है जो कहता है कि एक स्कूल में एक व्यक्ति रिटायर होने वाला है, तो आपकी नौकरी पक्की है, आपकी बेटी की नौकरी पक्की है। तो वो आश्वासन दे के प्रार्थना की और जो है चले गए। उसके एक सप्ताह बाद फिर से उस व्यक्ति से मुलाकात हुई, उसके घर गया, तो वो बड़ा तिल मिलाया हुआ था। उसने कहा कि एमएलए बड़ा बेईमान निकला, उसने किसी और से पैसा लेकर वो नौकरी किसी और को दे दी। मैंने कहा, आपने भरोसा किस पर किया था, परमेश्वर पर या एमएलए पर? परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। वो समझ गया और उसने अपने मार्ग की चिंता को छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा किया। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तहे दिल से परमेश्वर पर भरोसा करें और अपनी काबिलियत पर, अपने जान पहचान पर और लोगों पर भरोसा नहीं करना, जैसे हमने भजन संहिता 118:8-9 में पढ़ा, यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं हमारे काम जो है सफल होते हैं। उसने पूरी तरीके से परमेश्वर पर भरोसा किया, प्रार्थना किया। 2 सप्ताह बाद फिर से मेरी मुलाकात उस भाई से हुई, उसने कहा, मेरी बेटी को अच्छी जगह पे नौकरी मिल गई, अच्छे स्कूल पे नौकरी मिल गई है, स्कूल भी बहुत नज़दीक है, वो जाना आना भी कठिन नहीं होता, जो है परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आपने जैसा कहा, अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पे डाल दो और उस पर भरोसा करो, तो वह निश्चय ही हमारे काम को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, हमें अपने मार्ग की चिंताओं को परमेश्वर पर डालना है। सारे रुके हुए काम, सारे रुकी हुई व्यापार, नौकरी, घर में जो अशांति आई है, सबको परमेश्वर ठीक करेगा, पूरा करेगा, हालेलुया। इन दिनों में बहुत से लोग परेशान हैं महामारी के कारण,
अर्थव्यवस्था जो है बहुत निचली स्तर पर चल रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं, आप परमेश्वर पर अपने मार्ग की चिंता को डाल दीजिए और उस पर भरोसा रखिए। आप भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा मत रखिए, बाकी लोगों पर भरोसा मत रखिए, अपने दोस्तों पर भरोसा मत रखिए, मनुष्यों पर भरोसा मत रखिए। अपनी मार्ग की चिंता को परमेश्वर पर डालिए और परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पूरा करेगा। भाइयों और बहनों, आज इस संदेश को सुन रहे सब भाइयों बहनों, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, अपने मार्ग की चिंता को उस पर डालिए, निश्चय ही वह पूरा करे। भरोसा रखिए उस पर, वह निश्चय ही पूरा करेगा, सारे रुके काम पूरे हो जाएंगे। नौकरी यदि आपकी रुकी हुई है, आपको नौकरी मिल जाएगी। यदि आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, एडमिशन दिलाएगा परमेश्वर। उस पे अपने मार्ग की चिंता को डालिए और उसके मार्ग पर चलिए, जैसा वो कहता है उसको करिए। रोज प्रार्थना कीजिए, उसकी अगुवाई में जीवन को बिताइए, परमेश्वर निश्चय ही आपकी रुके हुए कामों को पूरा करेगा। आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें, एक मन होकर प्रार्थना करें, अपने मार्गों की चिंता को परमेश्वर पर डाल दें और भरोसा करें। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए। आज तक तूने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू महान है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। आज तू सनातन काल का परमेश्वर, सिंहासन पर विराजमान है परमेश्वर, हालेलुया। हमारी चिंता करता है परमेश्वर, हालेलुया। कोई बात तेरे से छिपी नहीं है परमेश्वर। आज सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज ऑनलाइन जुड़ा है परमेश्वर, सबके ऊपर परमेश्वर तेरी करुणा की दृष्टि पड़े परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको परमेश्वर तू आशीष दे परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार हैं, उनको नौकरी दे यीशु के नाम से परमेश्वर। परमेश्वर जो जिनका व्यापार ठप पड़ा है परमेश्वर, व्यापार शुरू होने में तू मदद कर। जो पैसों की तंगी लोग झेल रहे हैं उसको परमेश्वर खत्म कर यीशु के नाम से परमेश्वर। अशांति घरों की निकल जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। बहुत से लोग खटिया पर हैं परमेश्वर, उनको अपने हाथ को बढ़ाकर छू और चंगाई दे यीशु के नाम से। सबको आशीष दे, तेरे नाम की महिमा होने पाए। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। इस प्रार्थना को मांगते हैं, सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए, आमीन। सबको जय मसीह की।